नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये ब्राजील से शिवलिंग मंगाई गई है और भोपाल की एकमात्र ये शिव मंदिर है जहाँ पर जो है स्फटिक शिवलिंग आपको मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हो आपका? अमित मिश्रा। अच्छा, ये शिवलिंग के बारे में बताएंगे कि ब्राजील से कब मंगाई गई? ये लॉकडाउन से पहले मंगाई गई थी और ये करीब मतलब रखी रह गई जब तक ये मंदिर बन रहा था। उनकी कृपा से धीरे धीरे करके सब व्यवस्था बनी और भक्त लोगों का सहयोग मिला, इनकी स्थापना हुई फिर फरवरी में। कैसे ये आइडिया आया कि जो भोपाल में जो स्फटिक शिवलिंग का भी एक मंदिर होना चाहिए? किन किन लोगों का जो है इसमें जो है लोगों ने दान किया इस मंदिर को बनाने? इस मंदिर में दान तो बहुत लोगों ने किया, मतलब अमेरिका, लंदन, काफ़ी जगह से फंड आया था उसके उसमें हुआ। और स्वरूपानंद सरस्वती जी के आश्रम में स्फटिक शिवलिंग थी तो हम लोग उनके मतलब थोड़े वो थे तो क्लोज में, तो उनने बोला कि स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए तो उनके उसमें कर लिए जी। क्या इनकी दक्षिणा रही होगी जब आप ब्राजील से लाए होंगे? ये 3.5 लाख के समथिंग पड़े थे। पंडित जी, जो स्फटिक शिवलिंग है, अगर हम इनका अभिषेक पूजा पाठ करते तो हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते, इसके बारे में बताएं। स्फटिक शिवलिंग वो मतलब ऑटोमेटिक अपने आप में सिद्ध रहती, उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता। वो मतलब हरी शिवलिंग सिद्ध रहती है, लेकिन जो स्फटिक शिवलिंग की मेन जो वो है तो इनकी स्वयं महालक्ष्मी पूजा करते हैं इस शिवलिंग की। तो इस शिवलिंग से आपको धन, यश, प्राप्ति मतलब काफ़ी कुछ होता है, हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। हम शास्त्रों की बात कहें तो स्फटिक शिवलिंग के शास्त्रों में क्या विवरण, इस बारे में बताएंगे? शास्त्रों में स्फटिक शिवलिंग सबसे ऊँची मानी गई क्योंकि महालक्ष्मी स्वयं इनकी पूजा करते हैं और हर कहीं मतलब जो ये जहाँ रहती है ना इस स्फटिक शिवलिंग, वहाँ का वातावरण ही अलग हो जाता है, शांत शांत है, ठंडाई ठंडाई टाइप का रहता है। अच्छा, ये बताइए जरा कि जो है ये स्फटिक शिवलिंग आप लोगों ने ब्राज़ील से लाया है तो इसको स्थापना वगैरह आप लोगों ने कराया होगा तो कैसे, क्या ब्राह्मण वगैरह? हाँ, ब्राह्मण पूरे मतलब 5 लोग साउथ से आए थे, साउथ के ब्राह्मण थे और बनारस के 5 ब्राह्मण थे और 5 उज्जैन के थे और भोपाल के भी थे, तो टोटल 21 ब्राह्मण आए थे यहाँ पर। विधि विधि मतलब 7 दिन का पूरे कार्यक्रम से इनके वो हुआ। कितने दिन लगे होंगे इसको स्थापना करने में? इनको स्थापना करने में 7 दिन, 7 दिन में मतलब ये जो आप परिवार देख रहे हैं ये सब एक साथ। ये मूर्तियाँ कहाँ से आई हैं? ये जयपुर से आई हैं, जयपुर से। ये ब्राज़ील से? ये ब्राज़ील से। धन शिवलिंग ब्राज़ील से आया है, बाकी सब जयपुर से लगभग लगभग वो जो नंदी हैं, ये जो पूरा दरबार है। ये चांदी का नाग देव? हाँ, अच्छा। कौन सी नाग है ये? वासुकी नाग। शिवलिंग का एक मतलब वेद में भी लिखा गया है कि जो स्फटिक शिवलिंग रहती है उसका अगर अपन 40 दिन अभिषेक करते हैं और मतलब प्रतिदिन और दिया वगैरह ये सब लगाते हैं, जो आपकी मनोकामना रहती है चाहे जो भी हो वो आपकी पूरी होती। और इनका मतलब ख़ास तौर से गन्ने का अभिषेक बहुत अच्छा होता है, गन्ने का, गन्ने के रस से, क्योंकि महालक्ष्मी को गन्ना बहुत पसंद है तो जो शिव हैं उनको भी गन्ना बहुत पसंद है। और आपने सुना होगा कि शिवलिंग का जल नहीं पिया जाता, लेकिन खाली एक ही मात्र शिवलिंग है जिसका जल पी सकते हैं, वो स्फटिक शिवलिंग। इसका जल पीने से आपका स्वास्थ्य वगैरह सब स्वस्थ रहते हैं आप, और जो भी आपके रोग वगैरह अंदर के रहते हैं वो भी मतलब धीरे धीरे हट जाते हैं।